शिक्षकों का नियोजित शिक्षकों का परीक्षा अलग से लेने का जो प्रावधान हुआ तो हमने सलाह दिया था कि एससीईआरटी से कराइए, क्योंकि एससीईआरटी को दक्षता परीक्षा लेने का व्यापक अनुभव है। मगर बाद में माननीय मंत्री जी का और एससीएस साहब का ये आया है फरमान कि हम दो बार ऑफलाइन भी लेंगे। मेरा इसमें चिंता का विषय है महोदय। न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में नियोजित शिक्षकों पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से मुहर लगा दी गई। बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार ने इसकी सहमति दे दी कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा तो मिल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी होगी। एक तरफ नियोजित शिक्षकों ने यह धरना प्रदर्शन किया कि सक्षमता परीक्षा हम देंगे लेकिन ऑनलाइन ढंग से नहीं, ऑफलाइन तरीके से। अब इस पर जो है बिहार में बवाल छिड़ता नजर आया। एक तरफ सत्तारूढ़ दल तो वही दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी यानी महागठबंधन के तमाम जितने भी विधायक हैं वो नियोजित शिक्षकों के समर्थन में खड़े हो गए और उनका भी कहना था कि नीतीश कुमार को इनकी बातों को मान लेना चाहिए और इन्हें ऑफलाइन एग्जाम दिलवाना चाहिए। अब इन सबके बीच एक बार फिर से आपको बता दें कि आज सुबह सुबह सदन में भी इसे लेकर के मांग उठा है। महागठबंधन के तमाम जितने भी विधायक हैं उनका कहना था कि सदन में इसके ऊपर यानी नियोजित शिक्षकों के ऊपर एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि अध्यक्ष की तरफ से यानी नंद किशोर यादव की तरफ से उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर चंद्रशेखर की तरफ से मोर्चा खोल लिया जाता है, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा के बाहर निकल जाती है और नियोजित शिक्षकों के समर्थन में नारेबाजी करने लगते हैं। अब जब विधानसभा के भीतर बिहार के पूर्व जो शिक्षा मंत्री यानी प्रोफेसर चंद्रशेखर उन्हें बोलने का मौका मिला है तो उन्होंने देखिए किस तरह से अपनी भड़ास निकाली है। प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना था कि हम जब सत्ता में थे, जब हम शिक्षा मंत्री थे, तब भी हम कहते थे कि इन नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है और इन्हें एनसीईआरटी से जोड़ लीजिए, इनकी ऑफलाइन एग्जाम दिलवाइए, ऑनलाइन एग्जाम इनसे मत दिलवाइए। उस वक्त नीतीश कुमार ने हमारी बातों को नहीं सुना, लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, हम मंत्री पद से हटाए दिए गए, हमारी सरकार चली गई, तो अब नीतीश कुमार ने किया वही जो हमने कहा था, यानी बिहार सरकार ने हमारी बातों को तो माना लेकिन कुछ और ढंग से। अगर नीतीश कुमार हमारी बातों को पहले मान लिए होते तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, उन्हें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता, उन्हें प्रदर्शन नहीं करना पड़ता और नियोजित शिक्षकों को परेशान करने के पीछे अगर कोई जिम्मेवार है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो देखिए बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, आज पांचवें दिन सदन की कार्यवाही जारी है। इन सबके बीच नियोजित शिक्षकों को लेकर आज सुबह से ही सदन हंगामेदार रहा है। आपको बताया कि अब प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नियोजित शिक्षकों को लेकर के एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पहले भी हमने कहा था सक्षमता परीक्षा मत लीजिए, ऑफलाइन ढंग से एग्जाम लीजिए, नीतीश कुमार अगर पहले हमारी बातों को सुन लिए होते तो आज इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो देखिए किस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलते हैं और नियोजित शिक्षकों के पकड़ते नजर आ रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, सुनवाए जाते हैं तमाम बातों को। कितने बच्चे बच्चियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया और ज्वाइनिंग करके कितने बच्चों ने छोड़ दिया, मैं इसका जवाब चाहूंगा महोदय। एससी अब आप देखिए इंटर काउंसिल को पहले से ही बहुत ज्यादा लोड है, इंटर काउंसिल सब ढंग के बड़े बड़े एग्जाम आयोजित करती है। शिक्षकों का नियोजित शिक्षकों का परीक्षा अलग से लेने का जो प्रावधान हुआ तो हमने सलाह दिया था कि एससीईआरटी से कराइए, क्योंकि एससीईआरटी को दक्षता परीक्षा लेने का व्यापक अनुभव है। जब एक शिक्षक जब दक्षता परीक्षा पास कर गया तो पुनः उसके परीक्षा की क्या जरूरत, फिर भी ऑफलाइन चूंकि परीक्षा एससीईआरटी लेती है। उस समय मेरी बात नहीं मानी गई, मगर बाद में माननीय मंत्री जी का और एससीएस साहब का ये आया है फरमान कि हम दो बार ऑफलाइन भी लेंगे। मेरा इसमें चिंता का विषय है महोदय। पिछले दफा अखबारों में पढ़ा राजद के मंत्री बेईमान है,